फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे स्क्रब के बारे में जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है और साथ ही है अफोर्डेबल। तो जिस स्क्रब की मैं बात कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का ग्रेपफ्रूट जेल स्क्रब। ये है पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में आपको मिलेगा एक सीक्रेट ब्यूटी टिप। तो जो आप ये पैकेट देख रहे हैं ये है ऑफ 80 ग्राम्स एंड 250 रुपीज, बट आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ऑफ अराउंड 220 रुपीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द पैकेजिंग, ये है स्क्रब का आउटर कंटेनर, जबकि स्क्रब का जो ओरिजिनल कंटेनर है वो एक बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर का है। इस कंटेनर में आपको मिलता है एक स्टिक, इस स्टिक की हेल्प से आप स्क्रब को अपने फेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्क्रब का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फेस स्क्रब, बिकॉज जो नॉर्मल फेस स्क्रब होते हैं क्रीम बेस्ड, जिससे वो स्किन में ईजिली स्प्रेड नहीं होते। इवन जो उसमें ग्रैनुल्स यूज होते हैं, चाहे वो वॉलनट के हों या एप्रिकॉट के, वो इतने बड़े साइज के होते हैं कि वो स्किन पे बहुत हार्श होते हैं, जिससे स्किन रेड हो जाती है और साथ ही बहुत से पिंपल निकल जाते हैं। बट थैंक गॉड इट्स नॉट लाइक देम। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये है एक जेल बेस्ड स्क्रब, जिससे ये आपके स्किन में इजिली स्प्रेड हो जाएगा। इवन जो ग्रैनुल्स यूज हुए हैं वो वॉलनट के ग्रैनुल्स हैं, वो इतने छोटे साइज के हैं कि वो आपके स्किन पे हार्श नहीं होंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड यूज दिस स्क्रब। ये स्क्रब आपके स्किन को सन डैमेज से रिपेयर करता है, आपके स्किन के फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्किन से सारी इम्प्योरिटीज एंड डेड सेल को हटाता है। आपको अपने फेस को अच्छे से धोकर, उसे ड्राई करके, इस स्क्रब को छोटी सी क्वांटिटी में अप्लाई करके 2 से 4 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में मसाज करना होता है। आप इसको वीक में 1 से 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको अपने हैंड्स में अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रब को कितनी कम क्वांटिटी में लिया है। अब मैं इसको अपने हैंड्स में अप्लाई करूंगी। जेल बेस्ड होने के कारण ये मेरे हैंड्स में इजीली स्प्रेड हो जा रहा है। अब देख सकते हैं जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कितने माइन्यूट हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरे स्किन में हार्श नहीं होगा और साथ ही साथ स्किन से सारे डेड सेल्स और इम्प्योरिटीज को भी निकाल देगा। जेल बेस्ड होने के कारण आपको इसको कम क्वांटिटी में अप्लाई करना होता है, बिकॉज ये इजिली स्प्रेड होता है। आफ्टर स्क्रबिंग इट फॉर अ मिनट, आप देख सकते हैं मेरी स्किन थोड़ी सी क्लियर हुई है और साथ ही साथ सॉफ्ट भी हुई है। नाउ कमिंग टू द सीक्रेट टिप, इस स्क्रब को आपको दिन में नहीं, शाम में नहीं, बल्कि रात में सोने से पहले अप्लाई करना है। जी हाँ, इससे आपके स्किन को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, आपके स्किन सेल का टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्शन और भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपके स्किन और भी फ्रेश और हेल्दी लगेगी। और एक और चीज़, जब आप स्क्रब करें तो सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से स्क्रब करें, बिकॉज अगर आपके हाथ कड़े रहेंगे तो आपके फेस पे स्क्रैचेस और पिंपल आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।